नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में मैं अपने घर के वास्तु के बारे में बताऊंगा, जिस घर में मैं अभी 7 साल से लगभग रह रहा हूं। दोस्तों, ये ईस्ट है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट फेसिंग है ये। और ये ज़मीन से हमने लगभग 3 फीट ऊंचा बनाया है सड़क से, तो यहाँ रैंप दिया। और ये जो है ये 6 फीट और 4 फीट ये है, जो यानी यहाँ पर हमने 10 फीट का पूरा ड्राइववे छोड़ा है, सब नीचे 10 फीट का। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाया है। नीचे जो है ना ये ड्राइववे है पूरा, और ये शोरूम है पूरा नीचे फर्नीचर का हमारा, ठीक है ना। यहाँ शटर लगे हुए हैं 2-3। ये 10 फीट के ड्राइववे में कार सीधी अंदर चली आती हैं, 4 कारें खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर मतलब मैंने कि, और यहाँ नाली है, नाली के ऊपर भी वो जो है स्टेप्स बनी हुई हैं, 3-4-5 स्टेप्स हैं यहाँ पर, ठीक। और रैंप है मतलब 8-10 फीट लंबा, सड़क काफ़ी चौड़ी है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये जो है 10 फीट ये कर दिया। और यहाँ पर देखिए, एक मैंने जगह इसलिए छोड़ी, और मैं सबको सलाह देता हूँ, यदि आपके पास प्लाट साइज बड़ा हो तो कोशिश करिए कि पार्किंग की जगह अपने घर के अंदर बनाइएगा, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो और समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे पानी की समस्या है, तो देखने में आ रहा है और होगा भविष्य में और ज़्यादा होगा, अभी भी आ ही रहा है कि गरीब बस्ती में पानी को लेकर और अमीर बस्ती में पार्किंग को लेकर समस्या आ रही है, विवाद और झगड़े होते हैं। तो ये पार्किंग, ये हमारे पास जो गाड़ियां हैं तो सब चल लग जाती, 4-5 गाड़ियां यहाँ, फिर एक यहाँ हमने आगे भी जगह है, कोई सड़क चौड़ी ली है ताकि आगे भी हम 2-3 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, करना ही पड़ती 1-2 गाड़ियाँ, ठीक है। ये ऊपर आने का रास्ता यानी कि यहाँ पर है, ये नीचे से जो है यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ से ऊपर चले आते हैं। यहाँ पर ये ऊपर तो है, नीचे यहाँ पर हमने दरवाज़ा दिया हुआ है, यानी इस हॉल में, नीचे हॉल में जाने के लिए यहाँ से ऊपर आए और यहाँ जाने के लिए अंदर यहाँ रास्ता दिया है, बाकी नीचे शोरूम में नीचे की। अब ऊपर आ गए अपन, यहाँ से ऊपर आए, ऊपर आके यहाँ आ गए। आने के बाद ये जो 4 फीट की जगह थी हमने कवर करी, ठीक, और आगे 3 फीट की बात करी, 4 फीट की जगह हमने 10 फीट में कवर कर ली। तो यहाँ पर एक गेस्ट टॉयलेट है और ये मेड टॉयलेट है। अच्छा, ये सीढ़ी जाके फिर ऊपर एक और फ्लोर बना, मेरे यहाँ छोटा बेटा रहता है, उसके ऊपर फ्लोर पे बड़ा बेटा रहता है, वो यहीं ऊपर आ गए। फिर उसका ये पूरा वैसा कैसा ही बना हुआ है, वहाँ भी ये 2 टॉयलेट हैं ऊपर, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर शू रखने का पूरा स्टैंड बना हुआ है, प्रॉपर अलमीरा बनी हुई है। यहाँ आने का एक रास्ता अंदर में, यहाँ आने का रास्ता है और एक रास्ता यहाँ होके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ सीधे किचन में जा सकते हैं। ये ड्राइंग रूम है, ये पैसेज है 6 फीट का, ये मंदिर है और गुरुद्वारा है, और ये बालकनी है। मैं सिख परिवार से हूँ, सरदार हूँ, मैं सिख परिवार से हूँ, मेरी वाइफ भी सिख परिवार से, पर हमारे माता जी को मानते हैं, मेरी छोटी बहू गणेश जी को मानती है। तो ये मंदिर भी है यहाँ पर, गुरुद्वारे की मर्यादा होती है कि वो एक अलग पूरा सिस्टम होता है, गुरु ग्रंथ साहब रखना पड़ते हैं तो वो अलग होता है, और ये सिस्टम अलग होता है। तो यहाँ मंदिर है, यहाँ राम दरबार, शिव दरबार, सब व्यवस्था है यहाँ पर, है मतलब करते हैं, पूजा पाठ होती है। हाँ, मेरे ऊपर वाला जो फ्लोर है जहाँ मेरा बड़ा बेटा रहता है, वो जो है उसकी वाइफ दत्तात्रेय भगवान को मानती हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना मंदिर बना रखा है, हमारे जन्माष्टमी मनती है, बराबर झूला लगा हुआ है, तो वो मंदिर ऊपर, गुरुद्वारा भी है ऊपर, ठीक। ये बेडरूम है ईस्ट अग्निकोण में, ये मेरा बेडरूम है, और ये टॉयलेट है, यहाँ पर वॉश बेसिन सब लगे हुए हैं, टॉयलेट है, कमोड है, और ये पलंग ऐसे लग जाता है, अलमारी है, यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, बाहर बालकनी है, ठीक है ना। तो ये जो कहते हैं कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, ये जो कहते हैं कि आपको जो है मतलब मास्टर बेडरूम तो यहाँ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पहले जब था, जिस घर में 60 साल रहा, मतलब 63 साल रहा, उस घर में मेरा जो है वायव्य कोण में था, मतलब वायव्य कोण में मेरा बेडरूम था, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ये मेरा बेडरूम हो गया, इसके बाद आप आइए यहाँ से, ये डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ डाइनिंग एरिया है, क्योंकि ये 14 फीट है यहाँ पर, तो डाइनिंग एरिया है। ये एक बेडरूम है, यहाँ से ओपन है, और ये बेडरूम है एक, ये टॉयलेट है, यहाँ पर ओपन टू स्काई डक्ट है, क्योंकि इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और इधर मकान बनेगा, तो हमने 10 इतनी जगह छोड़ दी 10 फीट, ताकि पार्किंग भी हो जाए, हवा रोशनी बराबर रहे, ठीक है ना। ये टॉयलेट है इधर से आने के बाद, और यहाँ हम इस जगह वापरते हैं, क्योंकि इसके नीचे शोरूम, यहाँ हमने नीचे डक्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, इसके ऊपर डक्ट है ना, तो यहाँ पर रख रखा है
प्रेस की टेबल वेबल सब लगा रखी है यहाँ पर। ये एक टॉयलेट है, ये एक बेडरूम है, ये मेरे बेटे का बेडरूम है, मेरे पोता दोनों पोते उनका बेडरूम है, ठीक। ये किचन है, किचन पश्चिम में, क्योंकि मेरे जॉइंट फैमिली है, मेरी दो बहुएँ हैं, वाइफ है, हमारे 5-7 मेट जो हैं ऊपर नीचे मिलाकर, अब सब लेडीज़ ही हैं। तो जिस घर में किचन पश्चिम में रहेगा, उस घर में जितनी महिला रहेंगी, चाहे वो मेड हो या घर के मेंबर हो, देरानी, जेठानी, सास, बहू, ननद, भुजाई, सब में आपस में तालमेल चाहता है। प्रभु कृपा से सब हमारे अभी है। ये ओपन टू स्काई दिया है, इससे इधर भी रोशनी जा रही है और इधर इधर भी रोशनी आ रही है। इधर ज़रूरत नहीं तो इनको रोशनी यहाँ से मिल रही है, तो ये इधर जा रही रोशनी, इधर रोशनी आ रही है। यहाँ खिड़की, यहाँ विंडो है, ठीक है, ये गैस है, और यहाँ हमने एक सर्विस विंडो दी हुई है, यहाँ खड़े होकर सब दिखता रहता है, यानी कि जो हाइट होती है, मतलब इतने हिस्से के बाद यानी अपन खड़े होकर दिखता रहता है इधर सब, तो आदमी दीवार पर मुँह नहीं आता है, यानी कि पूरा ओपन है। यहाँ भी एक विंडो दी हुई है हमने, ठीक, ये आ गए। और किस स्टोर पर अलग दिया है, तो पश्चिम में जब किचन रहता है तो आपस में तालमेल बहुत रहता है महिलाओं में, और खाना जरूर बचता है, बांटना पड़ता है, कुछ फेंकना पड़ता है, इसे अन्नपूर्णा की कृपा समझें आप। स्टोर अलग दिया है, ध्यान रखिए कभी भी स्टोर किचन के साथ नहीं होना चाहिए, ना किचन बड़ा होना चाहिए। मैं इसको बड़ा भी किचन कर सकता था, पर नहीं। कारण क्या है, यदि किचन में खाने का सामान ज़्यादा रहेगा तो घर के पुरुषों को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और कमाया कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा स्टोर अलग रखिए, खाने का सब सामान इधर रखिएगा, ठीक। इसके बाद यह सब जगह विंडो विंडो दी हुई है, सब जगह रोशनी और डक्ट। और दूसरी एक और बात है, मैंने अपने घर के हर कमरे में, जैसे यहाँ तो दरवाजे ऊपर टॉप पर वेंटिलेशन दिया, सब दरवाजों के ऊपर वेंटिलेशन है, यहाँ वेंटिलेशन, हर दरवाजे पर वेंटिलेशन है, सब में एसी भी लगे हुए हैं घर में। पर क्या होता है, 4 महीने एसी चलते हैं और 8 महीने एसी नहीं चलते हैं। उस वक्त यदि आप, और खिड़कियों में पर्दे लगे रहते हैं प्राइवेसी के लिए, रात को दरवाज़ा बंद कर सोना है, अब फ्रेश एयर कहाँ से आएगी ठंड में बरसात में। तो वेंटिलेशन रखिए, एग्जॉस्ट फैन भी रखें, जैसे इसका एग्जॉस्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ भी रखा हुआ है, टॉयलेट का एग्जॉस्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ एक रखा हुआ है, और इस टॉयलेट में एग्जॉस्ट रखा हुआ है, किचन में एग्जॉस्ट रखा हुआ है, चिमनी लगी हुई, मतलब कहने का कि हर जगह एग्जॉस्ट लगाइएगा जहाँ संभव, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। स्टोर अलग बना दिया, अब ये यहाँ पर जो है, अब ये एरिया मतलब जो मेट्स हैं हमारी, उनके लिए मेट टॉयलेट है, ये इंडियन, बाकी सब वेस्टर्न स्टाइल है, ये इंडियन स्टाइल है, उनको सुविधा रहती है। और कोई कोई ऐसा मेहमान आ जाता है, बोलता है कि मुझे इंडियन स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए काम आ जाता है, ठीक। ये यहाँ पर बहुत बड़ी अलमारी बना रखी है, काफ़ी सामान रहता है, ये बर्तन धोने की जगह है, और यहीं पर एक सर्विस विंडो दे रखी है। हम बहुत से बर्तन यहीं से यहीं रख देते हैं, यहाँ से उठा के वो नीचे ले लेती हैं लेडी, और यहाँ बर्तन धुलते हैं, ये कपड़े धोने की जगह है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मकान बना, सेम ऊपर बड़े बेटे का है। फिर छत पर हमने जो है ये दो बेडरूम बना रखे, ये ओपन रखा हुआ है, बाकी छत डाल रखी पूरी, ये पक्की छत है, बाकी हमने प्लास्टिक शीट अच्छी वाली जो एक डेकोरेटिव शीट्स वो डाल रखी है। यहाँ पर दो बेडरूम बना रखे हैं, गेस्ट बेडरूम है ये, ठीक। और इसमें कपड़े वपड़े सूख जाते हैं, ये पूरा ओपन है ना। तो ये मेरे घर का वास्तव, जिस घर में, तो उसका प्लान है ये, और ये 39x60 का है ये प्लाट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।